हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन इंडिया। दोस्तों, आप लोगों को इसी वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन अभी अपकमिंग में आप लोगों को कंफर्म इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है इसी महीने में और अगले महीने में भी आप लोगों को ये स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में इसी वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक पूरा देखना। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोजोलॉजी। यहाँ पे पहले मोबाइल निकल के आता है वन प्लस जेड। आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में वन प्लस जेड देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, वन प्लस जेड एक अपकमिंग डिवाइस है वन प्लस का। तो दोस्तों, इसका जो स्क्रीन आप लोगों को मिलता है 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है आप लोगों को। इसमें एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले निकल के आएगा। मिडिल में आप लोगों को पंच होल भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो बैटरी रहता है दोस्तों 4000 mAh का और आप लोगों को 30W का फास्ट चार्जर भी इसी में देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा रहता है इसमें 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और दोस्तों आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें सामने देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा मोबाइल निकल के आएगा दोस्तों ये। इसका जो प्रोसेसर रहने वाला है आप लोगों को स्नैपड्रैगन 765G वाला 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों। इंडियन मार्केट में अकॉर्डिंग 34,000 के अंदर आप लोगों को ये मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 34K में आप लोगों को ये मोबाइल इंडियन मार्केट में हो सकता है इसी महीने और अगले महीने में देखने के लिए मिल जाए। तो कन्फर्म अपकमिंग मोबाइल है दोस्तों वन प्लस जेड। अगला मोबाइल है दोस्तों पोको की तरफ से पोको F2 Pro। बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में पोको की तरफ से ये मोबाइल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है अगले महीने में पोको ये लॉन्च कर दे क्योंकि उसका जो सी मनमोहन पोको का CEO है उन्होंने बताया कि अगले 20 से लेकर 25 दिन के अंदर पोको के डिवाइस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, पोको F2 Pro ऑन द वे है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले रहता है दोस्तों बहुत ही बड़ा डिस्प्ले रहता है 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें पॉपअप कैमरा रहता है दोस्तों, बेजललेस डिस्प्ले रहेगा। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इसका निकल के आने वाला है। इसका जो बैटरी है 4700 mAh का रहेगा। 30W का फास्ट चार्जर आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 64+13+5+2 megapixel का इसका रेयर कैमरा रहने वाला है और सामने आप लोगों को 20 megapixel का पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। जहां तक इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 निकल के आने वाला है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया में स्नैपड्रैगन 865 में ये मोबाइल लॉन्च हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में ये मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मन से एक लाइक कर देना। लाइक आप लोग क्यों नहीं करते हो यार, लाइक कर दो। हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना दोस्तों। कीप वॉचिंग। अगली डिवाइस है Realme की तरफ से Realme X50 सुपर जूम। बहुत ही जल्दी इंडिया में ये मोबाइल भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और इंडिया में आप कंफर्म भी हो गया है कि 25 जून में आप लोगों को 12 PM पे Realme इंडिया के साइट में और Flipkart के ऊपर ये मोबाइल लॉन्च होते हुए दिख जाएगा आप लोगों को। Realme इंडिया का जो CEO है माधव सेठ, उन्होंने अभी कंफर्म भी कर दिया है कि Realme X30 सुपर जूम 25 जून को लॉन्च होने वाला है दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले रहने वाला है आप लोगों को मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.53 इंच का होने वाला है। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले रहेगा और एमोलेड डिस्प्ले भी रहेगा दोस्तों। ये बताया जा रहा है कि इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा निकल के आने वाला है। इसका जो कैमरा रहता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर रहता है, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को पेरिस्कोप लेंस रहेगा और 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को डेडिकेटेड लेंस रहेगा दोस्तों। इसमें आप लोग वाइड एंगल शॉट ले सकते हो और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को इसमें मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सामने आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। सेल्फी बहुत ही अच्छा इससे आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा कैमरा Realme X30 सुपर जूम का होने वाला है और 60x जूम का भी फैसिलिटी आप लोग इससे उठा सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी भी इससे आप लोग आराम से कर सकते हो। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इसका निकल के आएगा कैमरा के साथ दोस्तों। इसमें जो प्रोसेसर रहने वाला है आप लोगों को मेरे हिसाब से 865 वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। और इसका जो रैम वेरिएंट रहने वाला है 12GB 256GB रैम वेरिएंट इसका अवेलेबल रहेगा दोस्तों। बैटरी इसमें 4200 mAh का रहेगा और 30W का फास्ट चार्जर आप लोगों को बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी तरफ से ये कंफर्मेशन है दोस्तों और मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस इंडियन मार्केट में 30,000 से लेकर 35,000 तक आप लोगों को ये मोबाइल 25 जून में इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कौन से प्राइस सेगमेंट में और कौन सा प्रोसेसर लेके Realme X3 सुपर जूम इंडियन मार्केट में 25 जून को लॉन्च होता है दोस्तों। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इसके बारे में। आप लोग कितना एक्साइटेड हो नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
यहाँ पे अगली मोबाइल निकल के आ रहा है पोको की तरफ से, दूसरा मोबाइल पोको M2 Pro। ये मोबाइल दोस्तों हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन में लिस्टेड हो गया है और आप लोगों को ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन में भी ये मोबाइल बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा और लिस्टेड भी हो जाएगा। तो दोस्तों पोको की तरफ से ये डिवाइस नया आने वाला है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन इस डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले रहेगा दोस्तों, डिस्प्ले इसमें 6.7 इंच का होने वाला है, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होने वाला है और अच्छा डिस्प्ले रहेगा, IPS LCD डिस्प्ले रहेगा दोस्तों। अब कितना अच्छा रहेगा वो तो हम लोग आप लोगों को कंफर्म अभी नहीं बता सकते। इसका जो प्रोसेसर रहता है दोस्तों, स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर रहता है, बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, आप लोग गेम बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें कर सकते हो। इसका जो कैमरा रहता है 48+8+5+2 मेगापिक्सल का और सामने आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा सेल्फीज आप लोग इससे निकाल पाओगे। सैमसंग का GW1 सेंसर होने वाला है दोस्तों, अभी बहुत ही अच्छा निकल के आएगा ये मोबाइल। इसका जो बैटरी रहने वाला है दोस्तों 5020mAh का और 27W का फास्ट चार्जर आप लोगों को इसी बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मोबाइल इंडियन मार्केट में 27,000 से लेके 28,000 तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मोबाइल निकल के आ रहा है पोको की तरफ से पोको M2 Pro। देखते हैं दोस्तों इंडिया में पोको M2 Pro कितना जल्दी पोको की तरफ से लॉन्च कर देते हैं पोको वाले। दोस्तों आप लोग क्या पोको M2 Pro के लिए इंटरेस्टेड हो, इसके लिए क्या आप लोग डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो, तो दोस्तों हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो, हम लोग आप लोगों के लिए पोको M2 Pro के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला मोबाइल आ रहा है Redmi की तरफ से, Redmi K30 Pro। ये मोबाइल दोस्तों हाल ही में चाइना में बहुत ही पहले लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में आने का इसका संभावना है। आप लोगों को लगता है इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी ये मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा, अभी तो दोस्तों कोई सर्टिफाइड वेबसाइट में ये लिस्टेड भी नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट में आप लोगों को हो सकता है बहुत ही जल्दी ये मोबाइल देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं जो कि इंडिया में एक्सपेक्टेड है। इसमें जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले होगा, पॉपअप कैमरा रहेगा दोस्तों, पीछे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा रहेगा और पॉपअप कैमरा 20 मेगापिक्सल का रहेगा। दोस्तों पॉपअप सेल्फी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल पाओगे, कैमरा के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि चाइनीज वेरिएंट का कैमरा भी बहुत ही अच्छा था दोस्तों Redmi K30 Pro का। आप लोगों को इसमें बैटरी मिलता है 5000mAh का और आप लोगों को फास्ट चार्जिंग भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसेसर मेरे हिसाब में दोस्तों इस मोबाइल में आने वाला है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि 5G प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों, बाकी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आप लोगों को 30,000 के प्राइस रेंज के ऊपर ये मोबाइल इंडियन मार्केट में देखने के लिए हो सकता है मिल जाए। यहाँ पे अगला डिवाइस आता है Redmi 10X Pro 5G। आप लोगों को ये मोबाइल इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा इसका निकल के आएगा, बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों 6.57 इंच का डिस्प्ले होने वाला है, IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। इसका जो कैमरा रहेगा क्वाड रियर कैमरा रहेगा 48+5+8+8+8 मेगापिक्सल का और दोस्तों 20 मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट कैमरा इस डिवाइस में देखने के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। जो प्रोसेसर रहने वाला है MediaTek का Dimensity 820 5G प्रोसेसर रहने वाला है दोस्तों, बैटरी 4250mAh का आप लोगों को मिल जाएगा और इसी के साथ 33W का फास्ट चार्जर भी अवेलेबल रहेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा मोबाइल निकल के आने वाला है, आप लोगों को इंडियन मार्केट में Redmi की तरफ से बहुत ही जल्दी ये डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर Redmi का बात हो रहा है तो दोस्तों Redmi 9 के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड एक वीडियो बना चुके हैं, ऊपर मैं आई बटन में लिंक देता हूँ, आप लोग अगर Redmi 9 के लिए इंटरेस्टेड हो ये भी एक अपकमिंग डिवाइस है, आप लोग जाके देख सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मन से एक लाइक कर देना दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अगला डिवाइस आता है Asus ROG Phone 3 जो कि दोस्तों इंडियन सर्टिफिकेशन में लिस्टेड हो गया है, बहुत ही जल्दी इंडिया में Asus की तरफ से ROG Phone 3 डिवाइस लॉन्च होने वाला है। ये गेमिंग डिवाइस है दोस्तों, गेमर्स के लिए बढ़िया खबर निकल के आ रहा है, ROG Phone 3 बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही जल्दी इंडियन वेबसाइट में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। आप लोगों को इसमें 6.59 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले रहेगा इसका और इस बार बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को ट्रिगर बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो कैमरा रहने वाला है ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा 48+13+8 मेगापिक्सल का, सामने 24 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, अच्छा सेल्फीज भी आप लोग इससे निकाल पाओगे, कैमरा इसमें बहुत ही अच्छा होने वाला है नो डाउट दोस्तों। इसका जो प्रोसेसर रहने वाला है स्नैपड्रैगन 865 वाला लेटेस्ट 5G डिवाइस रहेगा दोस्तों, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आने वाला है, बहुत ही मक्खन की तरह आप लोग इससे गेम खेल सकते हो। जो बैटरी रहने वाला है 6100mAh का बड़ा मैसिव बैटरी होने वाला है दोस्तों, 3 दिन आराम से चल जाएगा, आप लोग हैवी गेम खेलो या जो भी करो। इसी के साथ आप लोगों को सुपर फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा और कौन सा फास्ट चार्जर आएगा दोस्तों ये तो लॉन्च इवेंट में ही देख सकते हैं दोस्तों। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कुछ बता सकते हो और Asus ROG Phone 3 के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देता हूं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो।
यहाँ पे अगला डिवाइस आता है Redmi 10X 4G डिवाइस, जो कि 5G और 4G दोनों डिवाइस ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। Redmi बहुत ही जल्दी इंडिया में Redmi 10X 4G को भी लॉन्च कर देगा। इसका जो डिस्प्ले रहेगा 6.53 इंच का IPS LCD फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन रहने वाला है, और इसमें कैमरा आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। सामने 13 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। AI सेल्फी कैमरा है, बहुत ही अच्छा AI सेल्फीज आप लोग इससे निकाल पाओगे। और जो प्रोसेसर रहने वाला है दोस्तों MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G85 वाला बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है दोस्तों इसी डिवाइस में। आप लोग गेमिंग के लिए अगर कोई डिवाइस खरीदना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है दोस्तों, आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। इसका जो बैटरी रहेगा 5020mAh का रहेगा, और आप लोगों को 18W का फास्ट चार्जर भी इसमें अवेलेबल देखने के लिए मिल जाएगा। तो Redmi 10X 4G बहुत ही जल्दी दोस्तों इंडियन मार्केट में Redmi की तरफ से लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आज के लास्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो कि Redmi 9 नाम से आता है। Redmi की तरफ से Redmi 9 बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोग Redmi 9 के ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रखा हूँ दोस्तों, आप लोग जाके Redmi 9 के ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो है हमारा आप लोग चेकआउट कर सकते हो। Redmi 9 का भी बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन रहने वाला है दोस्तों। Redmi 9 6.4 इंच का IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन लेके आएगा। इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, नो डाउट बहुत ही अच्छा डिस्प्ले रहने वाला है। इसमें आप लोगों को पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा साइड के तरफ से, और दोस्तों इसमें आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि Redmi Note 8 में आप लोग देख सकते थे कि लंबा सेटअप रहता था। 48+8+2+2 मेगापिक्सल का इसका सेटअप रहने वाला है पीछे के साइड में, और सामने आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा AI कैमरा होने वाला है, बहुत ही अच्छे सेल्फीज आप लोग इससे निकाल पाओगे। और दोस्तों 4GB 64GB रैम वेरियंट और 6GB 128GB सभी रैम वेरियंट आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को 4100mAh का बैटरी देखने के लिए मिल जाता है विद 15W फास्ट चार्जर, तो बहुत ही अच्छा चार्जर फैसिलिटी भी इसमें आप लोग देख। इसका जो प्रोसेसर रहने वाला है MediaTek की तरफ से MediaTek Helio G85 वाला नया प्रोसेसर रहने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए 10,000 से लेकर 12,000 के अंदर तक कोई भी मोबाइल खरीदना चाहते हो तो दोस्तों ये मोबाइल डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छा मोबाइल है दोस्तों। गेमिंग आप लोग इसी प्रोसेसर के साथ और मोबाइल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को ये मोबाइल इंडियन मार्केट में 10,000 से लेकर 12,000 के प्राइस रेंज में देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी तरफ से ये दोस्तों कंफर्मेशन है, आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा डिवाइस अपकमिंग है इंडिया में, और बहुत ही जल्दी कौन सा डिवाइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। हम आप लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड बनाते हैं दोस्तों हमारे चैनल में। अगर आप लोग नए हो तो चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगता है तो मन से एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, नीचे कुछ बोलना है तो कमेंट भी कर देना। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे गर्मा गर्म वीडियोज लेके अगले वीडियोज में। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।